अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, टुडे आई एम हियर विद लेक्चर नंबर 24 फॉर क्लास 10th, यूनिट नंबर 11 दैट वी हैव स्टार्टेड रिसेंटली, दैट इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो कल हम लोगों ने थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी कि किस तरह से ये एक अलहदा क्लास है जो स्टडी करती है हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन और हाइड्रोजन को और उनके डेरिवेटिव्स को, ठीक है, या उनके साथ और कोई आके एलिमेंट अटैच हो गया है लाइक ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस, सल्फ़र, ये सब चीज़ें अटैच हों तो वो उनके डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। और इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं कि जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड हैं, ठीक है। तो जब हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो ये पुराने ज़माने में ये क्लास इसलिए अलहदा है कि पुराने ज़माने में ऑर्गेनिक का मतलब होता है फ्रॉम लाइफ, लाइफ लिविंग, ठीक है। तो पुराने ज़माने में ऐसा ख्याल किया जाता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो ऐसे, जिस तरह वाइटल फोर्स थ्योरी पेश की गई थी उसमें उन्होंने क्या कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिर्फ और सिर्फ इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बन सकते हैं, इट कैन दे कैन नॉट बी फॉर्म्ड इन द लेबॉरेटरी, क्योंकि उनके मुताबिक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनको बनने के लिए एक वाइटल फोर्स होती है, ये एक मिस्टीरियस फोर्स है दैट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड वी डू नॉट हैव दैम, सो वी कैन नॉट मेक दैम इन द लेबॉरेटरी, क्योंकि हम लोग उनको, उस वाइटल फोर्स को बनाना नहीं जानते, उसको यूज़ नहीं करना जानते हैं, वो हमारी बॉडी जानती है, हमारे अंदर हो रहा है लेकिन हम नहीं उसे जानते हैं, इसीलिए हम जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बना नहीं सकते हैं, ऐसा पहले ख्याल किया जाता था। लेकिन फिर इस तरह ये वाइटल फोर्स थ्योरी एंड हुई थी जब सबसे पहले यूरिया बनाया गया था, ठीक है, 1828 में बोहलर ने यूरिया बनाया था और सबसे पहला जो ब्लो लगा था वो वाइटल फोर्स थ्योरी को वो इनकी तरफ से था, उन्होंने विद द हेल्प ऑफ अमोनियम साइनेट उसको हीट अप किया था और उसके आपस में एटम्स जो थे, एलिमेंट्स जो थे, वो रीअरेंज होकर उन्होंने यूरिया बना दिया था। सेकेंडली कोल्ब ने 1845 में एसिटिक एसिड पहली दफ़ा बनाया था लेबॉरेटरी में। तो इस तरह से ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी और जो इसका कहना था कि ये जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर बन सकती है, ये आउट ऑफ बॉडी नहीं बन सकती है, वो जो थ्योरी थी वो अब ख़त्म हो चुकी है, मतलब अब वो निगलेक्ट हो चुकी है, वो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। अब हम लोग जब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर का नेम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक्चुअली सॉरी, जब हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है, अब पहले उसकी डेफिनेशन को हटा के अब नई डेफिनेशन क्या आई है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जो स्टडी करती है हाइड्रोकार्बन्स को और उनके डेरिवेटिव्स को। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं और उनके मुख्तलिफ डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने बात की थी कि और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, कार्बाइड्स हैं, उन्होंने कहा इसमें भी तो कार्बन मौजूद है लेकिन ये कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, क्योंकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड नहीं है और इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ मैच नहीं करती हैं, इसीलिए दीज आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, उसके अलावा कार्बाइड्स जो हैं। अब हम लोग करते हैं बात इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन की, दैट इज़ प्रेजेंट ऑन पेज नंबर 53। उन्होंने कहा है कि नेफ्थलीन जो है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये सबलाइम हो जाता है रूम टेम्परेचर पे और गिव्स आउट वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल, और सबलाइम होके ये बहुत ज़्यादा स्मेल, तेज़ स्मेल रिलीज़ करता है। अब ये क्या है, इट इज़ यूज इन मॉथ बॉल्स टू कीप्स इंसेक्ट्स अवे फ्राम क्लोथ्स, यानी कि ये जो होते हैं आप जो फिनाइल की गोलियाँ रखते हैं कपड़ों में, ठीक है, वो ये नेफ्थलीन की ही गोलियाँ होती हैं जो हम लोग रखते हैं कपड़ों में, ताकि हम लोग इंसेक्ट्स को वहाँ से हटा सकें, उनकी स्मेल की वजह से फिर इंसेक्ट वहाँ पर नहीं आते हैं, उस स्मेल की वजह से ये जो नेफ्थलीन रिलीज़ करता है रूम टेम्परेचर पर भी, इसकी ये प्रॉपर्टी है, खसूसियत है कि रूम टेम्परेचर पर भी सबलाइम होकर वो स्मेल को रिलीज़ करेगा और इस तरह से जो ये कीड़े वगैरह हैं वो इसके पास नहीं आएंगे, उन कपड़ों के पास नहीं आएंगे जहाँ पे हमने नेफ्थलीन का इस्तेमाल किया है। नाउ हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं, देर आर फोर टाइप्स ऑफ फार्मूले ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के फार्मूलाज की बात करें तो फोर डिफरेंट टाइप्स की हैं। फर्स्ट वन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी ओवर हेयर इज़ अबाउट मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी कि उसके मॉलिक्यूल के हिसाब से कैसा फार्मूला होगा हम उसकी बात कर लेते हैं।
वो फार्मूला जो रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ऐसा फार्मूला जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, कोई मॉलिक्यूल है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके अंदर एक्चुअली कितने नंबर ऑफ एटम्स मौजूद होंगे उसको बताने के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल C4H10 ब्यूटेन है हमारे पास, उसका हमारे पास फार्मूला है C4H10, दिस इज़ ब्यूटेन। तो जब हम इसकी बात करते हैं ब्यूटेन की, तो आप इसको देख के ही समझ सकते हैं कि इट हैव 4 कार्बन एटम्स एंड इट हैव 10 हाइड्रोजन एटम्स। उसके अलावा आपको देख के क्या पता चलता है कि हमारा जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये किस मुख्तलिफ किस्म के एटम से बना हुआ है। पहली बात वो हमें बताता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, कितने एटम्स मौजूद होंगे। सेकेंड वो हमें बताता है द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स ऑफ विच द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज मेड। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ब्यूटेन, ठीक है, तो इट इज़ इट्स फार्मूला C4H10। तो इसको देख के, सबसे पहले इस फार्मूला को देख के मुझे पता चलता है कि इट इज़ मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स एंड इट हैव 4 एटम्स ऑफ कार्बन एंड 10 एटम ऑफ हाइड्रोजन। सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। यही फंक्शन होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला का, के उसको देखते ही आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपका जो कंपाउंड है वो किन किन एटम से बना हुआ है और उनका कितना कितना नंबर है। ठीक है, इसमें यानी कि एटम्स का नेम और साथ में बस नंबर, बस इतना हमें इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से पता चलता है। इससे ज़्यादा हमें उसके स्ट्रक्चर, उसमें किस तरह की बॉन्डिंग है, ये सब आइडिया जो है हमें नहीं लग सकता विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो उसके बाद आता है हमारे पास सेकेंड टाइप ऑफ फार्मूला, दैट इज स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, फार्मूलाज याद रखिए सबके सेम ही हैं, बस इनके अंदर थोड़ी वेरिएशन है। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें सिर्फ उसके नंबर ऑफ एटम्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स बता रहा था। ब्यूटेन का अभी भी फार्मूला हमारे पास C4H10 ही है, लेकिन अगर हम उसे स्ट्रक्चरल फार्मूला के तौर पे लिखते हैं तो हमें उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर, आप इसके नाम से ही आइडिया लगा लें, उस कंपाउंड के स्ट्रक्चर का आइडिया हो जाएगा स्ट्रक्चरल फार्मूला के सूरत में, उसको लिखने की सूरत में। ठीक है, जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है किसी भी कंपाउंड का, वो करता क्या है कि वो रिप्रेजेंट करता है एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। इसको अंडरलाइन कर ले। ये क्या है कि जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है किसी भी कंपाउंड का, ये क्या बताएगा कि एग्जैक्ट अरेंजमेंट कैसी है। आपको पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला से पता तो चल गया कि ब्यूटेन में 4 कार्बन एटम्स हैं एंड 10 हाइड्रोजन एटम्स हैं, बट यू डोंट नो दैट हाउ दे आर अरेंज्ड, बट दिस विल बी, वी कैन नो दिस देयर अरेंजमेंट विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चरल, यानी कि ये उसका स्ट्रक्चर को आपको बताएगा। ठीक है, अब स्ट्रक्चरल फार्मूला में 3 किस्म के बॉन्ड्स हो सकते हैं, या तो सिंगल बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड को हम शो करते हैं सिंगल लाइन से, या फिर डबल बॉन्ड होते हैं जिसको हम लोग शो करते हैं डबल लाइन से, या फिर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं जिसको हम लोग शो करते हैं 3 लाइन से। अगर सिंगल लाइन है तो इसका मतलब है कि सिंगल बॉन्ड है बिटवीन द एटम्स या एलिमेंट्स, अगर डबल लाइन है तो इसका मतलब डबल बॉन्ड है, और अगर ट्रिपल लाइन है तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रिपल बॉन्ड है, 3 लाइन्स हैं तो ट्रिपल बॉन्ड्स हैं। अब उन्होंने ये कहा है कि एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला है, बट उसके डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूलाज हो सकते हैं। वी विल बी टेकिंग द एग्जांपल ऑफ ब्यूटेन। हमने कहा है कि ब्यूटेन का हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला था दैट वाज C4H10, यानी कि सी कार्बन 4 थे और हाइड्रोजन 10 थे। अब हम इसी को लेते हुए इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, तो इसका मतलब कि इसके डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूलाज आ सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज़ अबाउट एन ब्यूटेन, दिस इज़ कॉल्ड एज, जो अब मैं जिसका बनाने जा रही हूँ स्ट्रक्चर, दिस इज़ एन ब्यूटेन। होता ये ब्यूटेन ही है पर इसके अरेंजमेंट की वजह से इसका नाम एन ब्यूटेन है। इसके इस तरह से कार्बन एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, और जो हर कार्बन के साथ जो कॉर्नर कार्बन हैं उनके पास 3-3 हाइड्रोजन एटम्स हैं, और जो मिडल कार्बन हैं उनके पास 2-2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, 1 अबव एंड 1 बिलो। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि ब्यूटेन का। अगर आप ब्यूटेन को काउंट करें 4 कार्बन एटम्स से 1, 2, 3, 4, और 10 हाइड्रोजन एटम्स से स्टार्टिंग फ्रॉम हियर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस तरह से यानी कि फार्मूला यही है। अब उसका उन्होंने ये भी उसका फार्मूला, दिस इज़ कॉल्ड अ स्ट्रक्चरल फार्मूला, क्योंकि ये उसके स्ट्रक्चर को आपको एक्सप्लेन कर रहा है। ये एक हो गया, दिस इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब ब्यूटेन का ही हमारे
हमारे पास एक और स्ट्रक्चरल फार्मूला है, उसका नाम है आइसोब्यूटेन। ब्यूटेन नाम है लेकिन उसके स्ट्रक्चरल फार्मूला के हिसाब से उसको नेमिंग इसको या आइसोब्यूटेन कहते हैं या एन ब्यूटेन कहते हैं। एन ब्यूटेन उसे तब कहते हैं जब उसके तमाम के तमाम कार्बन एटम एक चेन की सूरत में मौजूद होते हैं, तो दिस इज़ एन ब्यूटेन। और अगर हम लोग बात करते हैं आइसोब्यूटेन की, तो कार्बन जो है एक कार्बन जो कार्बन है वो चेन की सूरत में मौजूद नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, हेयर सी द कार्बन इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ चेन, इट इज़ फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ ब्रांचेज, ये ब्रांचेज में मौजूद हैं, ठीक है। और हर कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो हर एक की वैलेंसी आप कंप्लीट करें। इसके साथ 3 हाइड्रोजन एटम्स, इसके साथ 3 हाइड्रोजन एटम्स, इसके साथ 3 हाइड्रोजन एटम्स, और इसके साथ सिंगल हाइड्रोजन एटम। तमाम कार्बन्स की 4 वैलेंसीज, कार्बन की 4 वैलेंसीज होनी चाहिए, यानी कि वो 4 बॉन्ड्स बनाते हैं। ईच कार्बन हैज़ कंप्लीटेड 4 बॉन्ड्स ओवर हियर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4। तो अगर आप यहाँ पे भी काउंट करें, वी हैव 4 कार्बन एटम्स, वी हैव 3 + 3 + 3 9 + 1 10 हाइड्रोजन एटम्स, यानी कि जब आप मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करते हैं C4H10, तो उसी मॉलिक्यूलर फार्मूला को यूज़ करते हुए हम लोग डिफरेंट किस्म के, डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। तो इट मींस दैट अ सिंगल मॉलिक्यूलर फार्मूला मे हैव मैनी डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूलाज। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो जस्ट हमें बताएगा कि कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स मौजूद हैं और कितनी नंबरिंग है, कितने अमाउंट में मौजूद हैं। जबकि जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो बताता है कि उनकी अरेंजमेंट कैसी है, ठीक है। दिस इज़ एन ब्यूटेन, असल में भी इनकी अरेंजमेंट ऐसी होगी, एन ब्यूटेन जो होगा उसमें कार्बन एक दूसरे के साथ एक सिंगल चेन में अटैच्ड है, जबकि जो आइसोब्यूटेन है वहाँ पर कार्बन एक सिंगल चेन में अटैच नहीं होंगे, बल्कि वहाँ पर भी ब्रांचेस बनी होंगी, तो दैट विल बी आइसोब्यूटेन। सो हेयर वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्यूटेन्स प्रेजेंट विद अस दैट वी कैन शो विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चरल फार्मूला। अगर हम लोग इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका सिंगल है C4H10, बट इट डज़ नॉट गिव यू एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। वो स्ट्रक्चर के बारे में कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला का भी पता होना चाहिए, ताकि आप लोग पूरी तरह से उसको एक्सप्लेन कर सकें, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ भी थोड़ी बहुत डिफरेंट हो जाएंगी, इसके अलावा फिर उनकी स्पेशल अरेंजमेंट कैसी है, यानी कि वो स्पेस में किस तरह से मौजूद हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कंडेंस्ड फार्मूला की। जब हम बात करते हैं कंडेंस्ड फार्मूला की, तो ये फार्मूला कंडेंस्ड है, ठीक है। ये स्ट्रक्चरल फार्मूला की तरह ही होता है, थोड़ा सा एक्सपेंडेड होता है, लेकिन ये कंडेंस्ड फॉर्म में है। यहाँ पे एटम्स एक दूसरे के साथ जॉइंट फॉर्म में शो करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने अभी पहले पढ़ा था, मुझे रब नहीं करना चाहिए था, मैं फिर से बना देती हूँ। ये हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा था एन ब्यूटेन का, ठीक है। This was the structural formula of एन ब्यूटेन। अगर मैं इसका कंडेंस्ड फार्मूला लिखती हूँ एन ब्यूटेन का, तो यहाँ पर यह है कि मैं अरेंजमेंट शो करूँगी, बट आई विल नॉट शो दिस हाइड्रोजन एटम्स दैट आर लिंकिंग आउटसाइड, ठीक है। अब मैं इस तरह से इसको लिख सकती हूँ, सी के साथ 3 हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड हैं इस कार्बन के साथ, आई कैन राइट इट एज CH3। इस सी के साथ कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड हैं, आई कैन राइट इट डाउन एज CH2। दिस सी कैन ऑल्सो बी रिटन एज CH2 एंड दिस सी कैन बी रिटन एज CH3। सो दिस इज़ द फार्मूला ऑफ एन ब्यूटेन। होता है ये स्ट्रक्चरल फार्मूला जैसा ही है, लेकिन कंडेंस्ड फॉर्म में होता है, यानी कि इसमें एटम सेपरेट जो है, हर एटम का उन्होंने लिंक नहीं शो किया हुआ, बल्कि वो जॉइंट टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स में जो है हमने उनको शो कर दिया है। सिमिलर फार्मूला है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 10 एटम्स हैं, कार्बन के 4 एटम्स मौजूद हैं, बस उन्होंने जो हाइड्रोजन एटम जो यहाँ पे ब्रांचेस डिफरेंट बन रही थी, उन्होंने बस उनको इकट्ठे करके कंडेंस करके एक फार्मूला बना दिया है। सिमिलरली अगर आप लोग बात करते हैं, ये था हमारे पास एन ब्यूटेन। अगर हम बात करते हैं आइसोब्यूटेन की, तो उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से था। तो जब मुझे इसको कंडेंस्ड फार्मूला के तौर पे लिखना है, तो मैं बस हाइड्रोजन को उसके साथ अटैच करके लिख दूंगी, जो कार्बन के जिस तरह से भी लिंकेज है उसको मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी, ठीक है। तो जब मुझे इसका लिखना है, तो आई विल राइट इट एज इस तरह। इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन एटम्स मौजूद थे, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन एटम्स मौजूद थे, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन एटम्स, और इस कार्बन के पास सिंगल हाइड्रोजन एटम। सो दिस इज़ द कंडेंस्ड फार्मूला। ये थोड़ा सा आपको क्लियर करके लिखना है, मैंने बीच में करके लिख दिया है।
it will be written like this. So this is the condensed formula of the isobutane. तो कंडेंस्ड फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको बताते हैं कि उसकी स्पेशल अरेंजमेंट किस तरह से है, और उसी को थोड़ा सा कंडेंस कर दें जिसमें हम लोग जस्ट उनके अरेंजमेंट शो कर देते हैं, ब्रांच फॉर्म में है या फिर चेन फॉर्म में, दिस इज़ चेन फॉर्म, दिस इज़ ब्रांच फॉर्म, बस इसको शो जो करे दैट इज़ कंडेंस्ड फार्मूला, और जो हर एटम को शो करे दैट विल बी द स्ट्रक्चरल फार्मूला. उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला की, जो हमने सबसे पहले स्टडी किया था, तो वो यही था कि उसमें बस वो मॉलिक्यूल्स यानी कि नंबर ऑफ एटम्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स के बारे में बता देता है, उससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं बताता. ठीक है, तो यहाँ तक आज का लेक्चर ख़त्म हुआ. इंशाल्लाह कल यहीं से स्टार्ट करेंगे. एक हमारा रह गया है फॉर्मूला, वो हम इंशाल्लाह कल यहीं से स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर. अगर आपको यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. उम्मीद है आपको समझ आई होगी. तब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़.